ये जो अनसेट है, गॉट। हाँ नहीं सही लगा दे, आप गलत लगा लिए, इस साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से आप खींचो खींचो, हाँ खींचो, गुड। मैंने को बता दे ना कैसे, आपने शायद भूल गए हैं, गुड। हाँ सीट बेल्ट आपकी लग गई, ठीक है, गुड। क्लच ब्रेक आपका सही है, देख लीजिए पोजीशन, गुड ठीक है। आप क्लच दबा के इंजन को स्टार्ट करो, गुड स्टार्ट करो, थोड़ा सा, हाँ ठीक है कर लो आप आराम से, गुड बस ठीक है। सीट बेल्ट लॉक करिए, गुड ठीक है। चलो अब क्लच दबा के इंजन को स्टार्ट करो, हो गया इंजन स्टार्ट, हो गया ठीक है। फर्स्ट गियर आपको लगाना है, ठीक है, लग गया आपका फर्स्ट गियर, ठीक है। चलो अब छोड़ो मैम हल्का हल्का क्लच, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, बहुत हल्का हल्का छोड़ना है क्लच, ठीक है। और हल्का हल्का आपको एक्सेलरेट करना होगा, बहुत ही हल्का हल्का, और थोड़े हल्का कर मैम क्लच, यानी दीजिए अब पूरा क्लच छोड़ दो, है ना। अब एक्सेलरेट करो हल्का हल्का, हल्का हल्का राइट वाले पैर से आपको एक्सेलरेट करना है, स्ट्रेट राइट मेरे में देख करके राइट साइड धीरे से अपनी कार को ले लेना है आपको, गुड। हल्का और राइट रखो, राइट साइड रखो, और राइट साइड एक साइड में सेफ रहेंगे, है ना। बड़ा हल्का का स्पीड और बड़ा हल्का का स्पीड, हाँ बड़ा बड़ा हल्का का, हल्का लेफ्ट रखना, गुड ठीक है। ज़्यादा रहो बड़ा हल्का का स्पीड, ये भी हम लोग चला रहे हैं फर्स्ट गियर में, ठीक है। और बड़ा हल्का का स्पीड फर्स्ट गियर में थोड़ा सा 10-15 की स्पीड को मेंटेन कर लेते हैं, और बड़ा हल्का का स्पीड। आप एक्सेलरेट छोड़ो मैम क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो दौड़ के, लग गया, छोड़ो मैम क्लच, गुड। बढ़ाइए मैम हल्का का स्पीड, गुड, सीधे जाना स्ट्रेट। तो अभी आपको कार को चलाते तीसरा दिन हो गया, तो आपको कैसा कंफर्टेबल लग रहा, कैसा कंट्रोल आपको, कैसा कॉन्फिडेंस आपको लग रहा? आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मुझे भी लग रहा, गुड ठीक है। जो चीज़ें आप सही तरीके से यूज कर रहे हो, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, गुड। तो चीज़ों को जब भी कभी कोई यूज करना होता, कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट्स, कहीं भी, जैसे गियर लगाना, स्ट्रेंथन करना, सिग्नल देना, तो अगर आपको नहीं पता है, यूज करने से पहले एक बार माइंड में उसको रिपीट कर लेते हैं सही तरीके से, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप एक बार पूछ लेते हैं कि कैसे होगा, फिर उसके बाद उसको करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो पहले उसको राइट लेफ्ट कर देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं, ठीक है। तो पहले तो उसको पूछ लेते हैं, एक बार माइंड में रिपीट कर लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, तो सही तरीके से होता था। नहीं तो जितने टाइम पे आप सीख रहे हो, उतना टाइम आप अगर चीज़ों पे घबराओगे तो सारा टाइम घबराने में ही चला जाएगा, फिर आप सीखोगे कब, चीज़ों को समझोगे कब, है ना। सीधे स्टेट, जब भी कोई कार खड़ी होती है, जैसे कि कोई कार खड़ी होती है, पहले तो आपको लेफ्ट का सिग्नल देना है, क्योंकि आपको लेफ्ट टर्न करना है मैम, लेफ्ट का सिग्नल मार दो, ठीक है। वो कार खड़ी है ना लेफ्ट साइड में, वहाँ से आपको टर्न करना होगा, और लेफ्ट टर्न करना होगा, ब्रेक का पैर रख लेना मैम, ये लेफ्ट जा रही है ना यहाँ से, ब्लू कार खड़ी ना यहाँ से, यहाँ घुमाओ और घुमाओ और कुछ घुमाओ, बस आपने घुमाया, अभी सीधा करो, गुड। हॉर्न मार देना इस कार के बगल, गुड। अब यहाँ पे हल्का सा ब्रेक का पैर रखना सिर्फ, और स्ट्रिंग को सही पोजीशन में पकड़िए आप, गुड। बढ़िए हल्का हल्का स्पीड, हल्का सा लेफ्ट रखना, जाते रहो मैम सीधे स्ट्रेट, गुड सीधे जाना स्ट्रेट। किसी भी कार के बगल से निकलते वक्त हॉर्न मार देते हैं, हो सकता है उसमें कोई बैठा होगा तो गेट खोल सकता है, अब वो हट जाएगा, डॉगी हट जाएगा, गुड। भैया लोगों को हॉर्न मार देना मैम, ब्रेक का पैर रख लेना मैम, ठीक है, गुड। जाने दो हल्का का, हाँ ज़्यादा एक्सलेट मत करो, एक्सलेट मत करो, एक्सलेट बिल्कुल मत करो, अपने आप जाने दो, ये जो स्पीड है ना ये रनिंग करती रहेगी धीरे धीरे, है ना। हाँ चलो जाओ, बढ़ाओ हल्का का स्पीड, गुड आगे। फिर एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, इस स्पीड ब्रेकर को पार करते ही आपको लेफ्ट वीटू घुमाना है, तो पहले तो लेफ्ट का सिग्नल आप मार दो, गुड ठीक है। और ब्रेक को पार रख लेना, स्पीड ब्रेकर को निकाल करके, कोई दिक्कत लगे तो क्लच दबा के फर्स्ट के लगा लेना। चलो घुमाओ, अब घुमाओ, घुमाओ और घुमाओ, हाँ बस अब मत घुमाना, अब रोक के रखना, अब सीधा को दौड़ के, गुड। ये सीधा हो गया, गुड। ये है रही है आपकी स्टीयरिंग, गुड। बढ़िया हल्का का स्पीड। तो ऐसे आपको हर एक टर्निंग पे, हर एक रास्ते पे, हर एक टर्निंग वाले रास्ते पे आपको चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कितना स्टेयरिंग घुमाना है, कितनी स्पीड में घुमाना है और कितना घुमाना है, और फिर हमें सीधा कितनी स्पीड में और कितना करना, जितना घुमाए तो उतना आपको सीधा करना होगा, गट जाता सीधे स्टेयर,
काफ़ी जगह है आपकी निकल जाएगी, मॉरल और कार के बीच में काफ़ी जगह है। गुड, आई लव दिस गुड, बहुत बढ़िया, हल्का राइट रखना, बड़ा ये मैम हल्का हल्का जाते रहो सीधे स्ट्रेट, हॉर्न मार देना गुड। अभी यहाँ से आपको फिर से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट का सिग्नल मार देना ऊपर गुड, ब्रेक को पैर रख लेना मैम गुड, ठीक है हॉर्न मार देंगे हाँ। अब घुमाओ अभी आराम से आराम से आराम से, बस अब ब्रेक से पैर डालो मैम और हल्का हल्का एक्सीलेट करना है और स्टेयरिंग को टायर को सीधा करना है गुड, बढ़िया बहुत बढ़िया, जाते रहो सीधे स्ट्रेट आगे से आपको राइट टर्न करना होगा, राइट का सिग्नल देना है मैम नीचे आपको गुड, बहुत बढ़िया, और ब्रेक पे पार करके राइट टर्न करेंगे हम लोग ठीक है, देख करके चीज़ों पे ध्यान दे करके हॉर्न दे करके, कोई दिक्कत लगे तो खड़ी कर लेना, जाने दो जाने दो गुड, बहुत बढ़िया, राइट टर्न करो हल्का हल्का, हाँ टर्न करो गुड, अब मत टर्न करना, अभी सीधा को दौड़ के हल्का लेफ्ट आइए, हल्के से कार आपकी राइट चली गई है ना, ये सीधे में चलो जाओ, बड़ा हॉल करके स्पीड गुड, बहुत बढ़िया, सीधे जाना आपको स्ट्रेट तो बैक मिरर में आपको देख लेना होता है ठीक है, पीछे तो कोई नहीं है, आपने एकदम से कार को खड़ी कर दिया, पीछे वाला अलर्ट नहीं हुआ, वो लाके पीछे से आपकी कार में ठोक दिया ठीक है, तो पहले देख लेना होता है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कई बार आपको बताते ना कि पहले से ब्रेक पे पैर रख लिया करो, जब आप ब्रेक पे पैर रखते हो हल्का सा उस पर जोर पड़ता है ना तो पीछे की लाइट जल जाती है, तो पीछे वाले अलर्ट हो जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाले, जब आपके सामने कोई कार होगी तो बताऊंगा कैसे लाइट जलती है, वैसे आपके भी पीछे कार में लाइट जल जाती है, तो पीछे वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं कि सामने वाला ब्रेक लगाने जा रहा है, और ऐसे आप एकदम से खड़ी कर दो तो पीछे वाला भी अलर्ट नहीं होगा, वो आपके सटा होगा और ठोक देगा है ना, जब भी कभी ब्रेक लगाते हैं तो पहले तो अलर्ट हो जाते हैं पहले से ठीक है, दूसरे को भी अलर्ट कर देते हैं फिर लगाते हैं धीरे से ब्रेक, और जब एकदम से ब्रेक लगाना होता है उसको कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक, एकदम से दबा देना जब बहुत कोई खतरा हो आपके आगे, फिर एकदम से ब्रेक लगाते हैं, जैसे अचानक से वो गाड़ी आ गई थी सामने, हाँ देखिए हाँ, तो वहाँ पे खड़ी करते हैं ना, ब्रेक लगा के तुरंत गियर में न्यूट्रल में डालेंगे क्लच दबा के ब्रेक, और न्यूट्रल नहीं डायरेक्ट फर्स्ट गियर लगाएंगे क्योंकि आपको चलना होगा, न्यूट्रल का मतलब कि आपको वहाँ पे खड़ी करना होता है मैम, आप पहले न्यूट्रल करोगे फिर जब वो लोग हट जाएंगे फिर से फिर फर्स्ट गियर आप लगाओगे है ना, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट जैसे सेकंड गियर या थर्ड गियर पे जब कार खड़ी हो तो डायरेक्ट उसको फर्स्ट गियर कर लेते हैं, चाहे वो फोर्थ गियर हो डायरेक्ट उसको फर्स्ट गियर कर लेते हैं, फोर्थ से फर्स्ट गियर कर लेते हैं, थर्ड गियर हो थर्ड से डायरेक्ट उसको फर्स्ट गियर कर लेते हैं, या अगर फर्स्ट में हो तो आराम से खड़ी करो, फिर तो फर्स्ट गियर में है ही है, फिर तो गियर चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको,
अब इस आगे आपको अभी एक टर्निंग मिलेगा, यहाँ से आपको राइट जाना है, राइट का सिग्नल मार दीजिएगा मैम नीचे, ठीक है, यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, ठीक है, सिग्नल आपने मार दिया है, यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, ठीक है, ब्रेक को पा रख लेना आराम से, ब्रेक को पा रख लेना आराम से, राइट टर्न करो और टर्न करो, बस हम टर्न करना मैम, हमें राइट जाना ना, देखो इतना स्टिंग यहाँ पे घुमाना है और फिर इतना ही वापस सीधा कर देना आपको, अभी सीधा मत करना, अभी मत करना, अभी सीधी नहीं है ना कार, अब कार सीधे हो गया, अब सीधा कर दो, बस हो गया, ऐसे ही टर्न करना होता है स्टीयरिंग को, बढ़ाओ मैम हल्का हल्का स्पीड, हल्का सा लेफ्ट रखना, गुड, बहुत बढ़िया।